टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था, लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी, और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के, और ऊपर से और यहां लोग बीजेपी में लड़ते रहते हैं, लोग एक को निकालना एक को रखना सब करते रहते हैं, और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी, वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके और आपके जोब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना, तो कौन झूठ बोल रहे है? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा MSP का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने, फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं, आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है, मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे।
अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते हैं।